नवी मुंबई के यशश्री शिंदे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवी मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्गा से पकड़ा गया है। वहीं 20 साल के यशश्री शिंदे की जिस बेरहमी के साथ हत्या की गई है उससे लोग सहमे हुए हैं। पुलिस की पकड़ में आते ही दाऊद शेख ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि यशश्री की हत्या के पीछे क्या वजह थी ये दाऊद नहीं बता रहा। जानकारी के मुताबिक दाऊद शेख और यशश्री शिंदे कुछ दिनों से एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों ने मिलने का प्लान बनाया था। हालांकि जब यशश्री तय समय और तय जगह पर मिलने पहुंची तो दाऊद ने यशश्री की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। इसमें जो मयद है और जो एक्यूज सामने आए हैं दोनों एक दूसरे को पहचानते थे और जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। ऐसा आरोपी के ऊपर पॉक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या उसने रिवेंज लिया है ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ नहीं रहा है सर। लेकिन क्या फर्स्ट टाइम मुलाकात थी कि सीडीआर में उनके कंटिन्यूअस बातचीत या चैटिंग की बात सामने आ रही है तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई? क्योंकि पास्ट में किसी परिवार की तरफ से पॉक्सो का एफआईआर दर्ज कराया गया। कांटेक्ट में हैं पर उस कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर अभी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर, पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था, अब जब पीड़िता का शव मिला था क्या इसमें नज़र आ रहा है, क्या आरोपी का ये किया धरा है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा इस तरह से? नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं तो होने की संभावना है, वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। हालांकि यशश्री शिंदे को वहां पहुंचते ही खतरे का अंदेशा हो गया था, इसीलिए उसने पैनिक में अपनी एक सहेली को फोन किया और उससे बचाने की गुहार लगाई। सबसे बड़ी लीड थी वो पहली सीसीटीवी फुटेज जो हम नवभागत पर जो है टाइम्स ऑफ नवभागत अपने दर्शकों को दिखा गए। इस सीसीटीवी फुटेज में यशश्री जो है फोन पर बात करते हुए नजर आती है। 2:14 पर शायद ये वही आखिरी कॉल था जिसे पुलिस ने पैनिक कॉल बताया। इसमें यशश्री अपनी एक सहेली को फोन लगाती है, शायद उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था इसीलिए जो लास्ट डायल नंबर था यशश्री ने पैनिक में वही लास्ट डायल नंबर कॉल किया जो कि उसके परिवार का नहीं था, उसकी सहेली का था। उसने उसको इतना कहा कि मुझे बचाओ, मैं तकलीफ में हूँ, ये बोल करके उसने फोन कट कर दिया। और उसी के 8 मिनट बाद उसके पीछे पीछे दाऊद शेख जो है वो उसका पीछा करते हुए नजर आता है। ये जानकारी जो है ऋतिका गायकवाड़ नाम की जो सहेली है वो परिवार को देती है कि यशश्री का पैनिक कॉल आया था। इसके बाद परिवार जो है पुलिस के पास दौड़ता है, लेकिन जब तक पुलिस इस बात बारे में जांच करती तब तक यशश्री का फोन जो है वो बंद हो जाता है। और जहां की ये सीसीटीवी फुटेज है वहां से महज 50 से 100 मीटर आगे ही 48 घंटे बाद यशश्री की लाश मिलती है। यानी पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जो ये सीसीटीवी फुटेज 2:22 की है तो हो सकता है कि तकरीबन 2:30 के आसपास ही हत्या को अंजाम दिया गया और लाश को जो है एक झाड़ियों के पास कचरे के पास फेंका गया और उसके बाद में वहां से ये जो आरोपी है वो फरार हुआ है। तकरीबन 48 घंटे तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि जो लाश है वो वहां पर पड़ी हुई है और 27 तारीख की देर रात को जो है उस लाश को किसी ने नोटिस किया और पुलिस को जानकारी मिली। तब तक जो दूसरी लीड है जब वो चेक की गई तो उगंड रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज मिला दाऊद शेख का और उसके बाद उसको ट्रेस किया जाने लगा। कई सारे जो दूसरे टेक्निकल एविडेंस थे जब वो ट्रेस किए जाने लगे तो उसकी एक लोकेशन गुलबर्गा कर्नाटका में पाई गई और उसके बाद मुंबई से नवी मुंबई से जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसे रवाना किया गया कर्नाटक के लिए और आखिरकार वहां पर भी वो बहुत ही शातिर तरीके से छुपा हुआ था, अपना भेष बदल रखा था, वो किसी को ड्राइवर ना लगे इसीलिए वो जीन्स टी शर्ट और कैप पहन करके वो घूम रहा था। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे खोज निकाला और उसे हिरासत में लिया और उसके बाद में उसे गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से जो है दाऊद शेख तक नवी मुंबई पुलिस पहुंची। यशश्री शिंदे की जिस जगह से लाश मिली है वहां भी टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता पहुंचे। 20 साल की यशश्री शिंदे की हत्या ने पूरे शहर को हिला करके रख दिया है। जिस तरीके से जितनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई इससे किसी की भी रूह कांप उठेगी। मैं इस वक्त नवी मुंबई के उगण में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर यशश्री शिंदे की लाश मिली। ये लाश 27 तारीख को देर रात मिली, शरीर जो है
वो पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ पड़ा हुआ था। उसका जो चेहरा है वो कोई पहचान न सके, इसलिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। यहाँ तक कि उसके पेट और पीठ पर किसी धारदार हथियार से जख्म के निशान थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू या किसी धारदार हथियार के निशान थे। इस तरीके से जो है बड़ी ही निर्मम तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। आखिर कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है, यही सवाल सबके मन में है। बता दें कि कल बातचीत के दौरान यशि शिंदे के परिजनों ने भी दाऊद शेख का ही नाम लिया था और उसे सख्त सजा देने की मांग की थी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए यशस्वी के पिता सुरेंद्र जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि 25 तारीख को क्या कुछ हुआ, आप वो बताएं। 25 तारीख को मेरी लड़की सहेली के घर गई, वो वापस नहीं आई। तो आपने उस सहेली से बातचीत की तो क्या वो उसके पास मिलने गई थी? मिलने के बाद वो सहेली को बोली मैं घर जा रही हूँ। आखिरी बार आपकी क्या बातचीत हुई, क्या कहा था यशस्वी? नहीं सर, मैं तो सुबह जॉब पे निकल गया था, वो सोई थी वो। आपको हत्या के लिए किस पर शक है और क्यों, क्या वजह? सर शक की तो वजह नहीं, कंफर्म वही है, दाऊद शेख। क्या दाऊद शेख के फोटेज पुलिस वाले को मिल चुकी है। अच्छा, उन्होंने बोला है कि 100% वही है, तो इसलिए उनकी जांच पूरी तरीके से चालू है। उन्होंने बोला है हम 100% उसको लेके आएंगे और वही है, वो 100% हो चुका है। अभी आप जो भी आ रहा है वो उसी बात के बाद। दाऊद ने इससे पहले भी कभी छेड़खानी की थी? सर वो 2019 की बात मैं आपको बताया। माता जी, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा कोई ऐसी याद यशस्वी की जो आपको आज भी याद आ गई है, आप बहुत परेशान होंगी उस याद को आज भी सोच के, ऐसे जिसने ऐसी हत्या की उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? अभी तो बात करने के इसमें नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल। आपसे जानना चाहूंगा, आप पिता हैं, आपने क्या कहेंगे कि आपको इंसाफ कैसे मिले, क्या आपको लगता है कि सजा दी जाए उसको? तो कठोर से कठोर सजा अगर हो सके। देखो क्या है, पिताजी अभी इनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो बात नहीं कर पाते। आप जो भी आ रहा है इसी बात पे सवाल कर रहा है, इसलिए सवाल नहीं करने से अच्छा मुझे ये बोलना चाहिए कि इस जो भी घटना हुआ है। मुश्किल घड़ी में देखिए टाइम्स ऑन नौबत आपके साथ खड़ा है, हम आपका दर्द समझते हैं। खाली एक बार जाना चाहूंगा ताकि ऐसा किसी और की बेटी के साथ ना हो, इसीलिए आप क्या चाहते हैं, खाली एक बार हो जाना। पिताजी जैसे बता रहे थे आप पहले कि उन्हें क्या सजा दी जाए। देखो मैं तो चाहूंगा कि उसको मेरे उरन के जो है बहन मेरी लड़कियां उनके हवाले करो, या फिर तेलंगाना में जैसा इनकाउंटर हुआ था वैसा उसका इनकाउंटर करो। वहीं इस हत्याकांड को लेकर राजनीति भी तेज है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने पुलिस से इस मामले में कड़े एक्शन की मांग की है। मैं बहुत ही नाराज हूँ, मुझे बहुत ही खेद हो रहा है बताते समय कि मैं मुंबई से इधर आते समय मुझे दो केसेस पता थी, गाड़ी में तीसरी केस हो गई। ये बहुत ही शेमफुल है और मैंने पुलिस के साथ मैंने बहुत स्ट्रांगली मैंने बोला है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में जो जो डिस्ट्रिक्ट में जो जो कमिश्नर है और उनके नीचे के सब, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उधर की महिला सुरक्षित होनी चाहिए। और मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये इन बुरे लोगों के पीछे खड़ी होगी और पुलिस को बोलेंगी कि उनको पनिशमेंट मत करो। ऐसी दहशत होनी चाहिए पुलिस की कि अगला आदमी सोचने के पहले बोलेगा नहीं बाबा ये पुलिस इधर ऐसी पनिशमेंट देती है, हमको ये नहीं करना चाहिए। अभी भी पुलिस दाऊद शेख से पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी दाऊद से ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड में अकेला शामिल है या उसने किसी के साथ मिलकर यशस्वी शिंदे की हत्या की है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।